नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अपने इसी चैनल पे मैंने शुरू की है सीरीज सवालों के जवाब पे। तो आज मैं आया हूँ सवालों के जवाब के लिए, उन सवालों के जवाब देने आया हूँ जो आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेरे हर एक वीडियो के कमेंट्स में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आप ही का सवाल है, जवाब तो मुझे देना है और मैं गारंटी देता हूं, मैं वादा करता हूं कि आपके सवालों का सही जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि क्या 18 साल से पहले गाड़ी चला सकते हैं? ये कॉमन क्वेश्चन है, मेरे हर एक वीडियो पे रहता है। तो 18 साल से कम एज के बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते हमारे इंडिया में, ठीक है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, मतलब नहीं, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रिक स्कूटी 16, 17 साल, 18 साल की उम्र में चलाई जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, इसका जवाब है हाँ, चलाई जा सकती है, लेकिन स्पीड लिमिट वाली, जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा ना हो। आपको बता दूं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दो तरह से आती हैं, एक तो जो कि स्पीड लिमिट रहती है और एक जो रजिस्ट्रेशन वाली रहती है। तो आप रजिस्ट्रेशन वाली नहीं चला सकते हैं, जो स्पीड लिमिट वाली है वो आप गाड़ी चला सकते हैं अगर 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं। तो क्लियर हो गया आपको दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में बना ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा मेरे प्यारे साथी, किसी भी राज्य में आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और पूरे वह ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में चलेगा। मान के चलिए आपने मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो जिस गाड़ी के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस मध्य प्रदेश में बनवाए हैं वो पूरे देश में आपका ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि कोई, जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश का है या राजस्थान का है या छत्तीसगढ़ का है या महाराष्ट्र का है, हमारे मध्य प्रदेश में रह रहा है, तो क्या वो मध्य प्रदेश से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है? या मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति मुंबई दिल्ली रह रहा है तो क्या वह वहां से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है? तो बिल्कुल बनवा सकते हैं आप, इसका भी आंसर है हाँ, बनवा सकते हैं आप, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है कि क्या BS6 में PUCC लगता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि BS6 मॉडल में क्या PUCC अनिवार्य है? तो बिल्कुल अनिवार्य है, एक साल तक तो आपको हर एक मॉडल पे छूट रहती है, एक साल के बाद आपको PUCC की जरूरत पड़ती है। तो उस पर BS6 हो या BS4 हो उससे मतलब नहीं है, एक साल की नई गाड़ी मानी जाती है, उसके बाद फिर PUCC मतलब कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये थे आज के 5 सवालों के जवाब। ऐसे ही सीरीज से बने रहिएगा, इस चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपको हर सवालों के जवाब आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।